फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस में सेकंड चैप्टर आउटपुट डिवाइसेस। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इनपुट डिवाइस, प्रोसेस यूनिट, आउटपुट डिवाइस। आईपीओस का थर्ड सेक्शन आउटपुट डिवाइस स्टार्ट करेंगे। इसको इसकी डिटेल्स में डिवाइसेस को पढ़ते जाएंगे और आगे हम देखेंगे स्टोरेज डिवाइस। तो हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस स्टार्ट करते हैं। आइए चलते देखते हैं आउटपुट डिवाइस बेसिकली होती क्या है। ऐसी डिवाइसेस जिसका रिजल्ट जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कंप्यूटर में उसको प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट में जब दिखाई दे उसका रिजल्ट मिले, एक इंस्ट्रक्शन का जब रिजल्ट मिलता है तो वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी डिवाइसेस हैं ये जिनका जो जहां पे रिजल्ट मिलता है आकर के हमें, वो डिस्प्ले के रूप में हो सकता है, वो साउंड के रूप में हो सकता है, वो हार्ड कॉपी के रूप में हो सकता है। तो ये वो डिवाइसेस हैं जिसपे रिजल्ट मिलता है हमें, जहां पे हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है आकर के कि ये हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी कंप्यूटर को और ये हमें आउटपुट में डिस्प्ले में मिला है या साउंड में मिला है और या फिर वो प्रिंट के रूप में मिला है। तो ऐसी डिवाइसेस जो हमारी को आउटपुट प्रोवाइड करा रही है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर देखते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी डिवाइस है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस की बात में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट के बारे में। विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि ऐसी डिवाइसेस जिन डिवाइसेस में वीडियो, एक इमेज, इमेज के रूप में कोई भी जब हमें आउटपुट मिलता है आकर के, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है, मॉनिटर हो सकती है वो डिवाइस प्रोजेक्टर हो सकती है, वो डिवाइस स्मार्ट टीवी हो सकती है, वो मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है, वो फोटो कॉपी मशीन की स्क्रीन हो सकती है जहां पे नंबर आपको दिखाई देते हैं, वो जीरोक्स मशीन हो सकती है। तो इट्स डिपेंड कि कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हैं और जहां पे रिजल्ट आउटपुट में हमें दिखाई दे रहा है वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट में हम ये तीन डिवाइसेस के बाद आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट की डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ते हैं। देखते हैं यहां पर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इमेजेस जनरेटेड बाय कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखिए मैंने बताया आपको कंप्यूटर के थ्रू प्रोवाइड हो रहा था हमें रिजल्ट स्पीकर पे, प्रिंटर पे, मॉनिटर पे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे जीरोक्स मशीन हम देखते हैं तो जब हम वहां पे इनपुट करते हैं तो आप देखते हैं वहां पे एक छोटी सी स्क्रीन लगी होती है उसमें हमें दिखाई देती है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वो स्क्रीन जहां पे हमें आउटपुट मिलता है, जीरोक्स मशीन हो सकती है, फोटोकॉपियर मशीन है और फैक्स मशीन है, कई इसके अलावा भी और सारी मशीन आती है जहां पे हमें ये डिस्प्ले में आउटपुट दिखाई देता है। आगे देखते हैं मॉनिटर। सबसे पहले बात यहां मॉनिटर की जा रही है कि मॉनिटर कितने टाइप्स के हैं। मॉनिटर है क्या, द मॉनिटर डिस्प्ले द वीडियो एंड ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर थ्रू द वीडियो कार्ड, इट्स कॉल्ड वीडियो। देखिए कई कंप्यूटर में स्पेशली ग्राफिक्स को काम अच्छा कराने के लिए उनपे वीडियो कार्ड्स भी लगाए जाते हैं। आप देखते हैं कई लैपटॉप्स में अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगे होते हैं क्योंकि हम जब गेम खेलते हैं तो हमें ग्राफिक की क्वालिटी हाई डेफिनेशन में चाहिए होती है। आजकल आप देख रहे हैं हाई डेफिनेशन वीडियोस, हाई डेफिनेशन आपके डीटीएच सर्विस प्रोवाइड हो रही है, तो ये क्या है, वीडियो की बेस्ट क्वालिटी हमें प्रोवाइड करने के लिए हम तक पहुंचे। तो उसके लिए कई टेक्नोलॉजी आई टाइप्स ऑफ मॉनिटर में। सबसे पहले सीआरटी, इनको डिटेल में चलते हैं। टाइप्स ऑफ मॉनिटर में आप पढ़ेंगे आगे सीआरटी, एलसीडी, टीएफटी, एलईडी, तीन तरीके के यहाँ पे मॉनिटर हैं मार्केट में अवेलेबल। तो हम इनको डिटेल में देखते हैं किस तरीके के हैं और क्या क्या है। सबसे पहले सीआरटी मॉनिटर पढ़ने जा रहे हैं हम, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, आप देख रहे हैं कि आपके घर में इस तरीके के बड़े बड़े मॉनिटर्स होते थे, अब तो पतली पतली स्लिम स्क्रीन की टीवी आ गई हैं, या अब टीएफटी मॉनिटर आते हैं आपके घरों में जो लगे हुए हैं या ऑफिस में लगे हैं। पहले इस तरीके के मॉनिटर आते थे, इनमें एक पिक्चर ट्यूब लगी होती थी, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पिक्चर ट्यूब शो हो रही है। इस तरीके के जो मॉनिटर होते थे इन्हें बेसिकली सीआरटी मॉनिटर्स कहा जाता था, जिसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ये कैथोड रे ट्यूब होती है, इस पिक्चर ट्यूब में फॉस्फोरस लेयर होती है, जो झिलमिल आपको दिखाई देता है वो एक पिक्चर के रूप में कन्वर्ट होती है। उस फॉस्फोरस लेयर के थ्रू जो दिए गए सिग्नल है उससे एक पिक्चर इमेज क्रिएट करता है। इसके बारे में देखें यहां पर कहा जा रहा है द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मोस्ट टेलीविजन। देखिए टीवी में बेसिकली स्टार्टिंग में टीवी आई थी, बाद में ये सीआरटी को मॉनिटर एज ए मॉनिटर यूज किया गया जिसपे हम जिसकी स्क्रीन पर हम लोग वर्क करते थे। ईच टाइम द बीम
मेक्स ए पास अक्रॉस द स्क्रीन। यहां से जब भी कोई आप देखते होंगे इसके पीछे एक लाइट जलती होगी अगर आपने कभी देखा हो। और ये सीआरटी मॉनिटर इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करते थे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, पिक्चर क्वालिटी सही नहीं आ रही है। तो आज की डेट में आप देख रहे होंगे बहुत ही रेयर आपको इस तरीके की टीवी या कहीं इस तरीके के मॉनिटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये सीआरटी मॉनिटर्स कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट एलसीडी मॉनिटर्स। एलसीडी मॉनिटर का फुल फॉर्म जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और टीएफटी में टीएफटी का फुल फॉर्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। ये जो मॉनिटर्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, इसकी जो स्क्रीन होती है, अगर इसकी स्क्रीन को अगर आप खोलेंगे तो इसमें प्लेन पेपर्स होते हैं, पेपर्स की लेयर होती है, वो पेपर की लेयर आपस में जुड़ करके एक सीसीएफएल ट्यूबलाइट होती है, वो लाइट इसमें जलती है जिसके थ्रू एक इमेज क्रिएट होती है। तो क्योंकि ये मॉनिटर जो थे इनकी पिक्चर क्वालिटी मच बेटर देन थी सीआरटी, लेकिन इसको भी टेक्नोलॉजी ने और एडवांस किया करके जो आगे और मॉनिटर आया उसको देखते हैं आगे हम। देखिए आप आज की डेट में मार्केट में जो मॉनिटर आ रहे हैं या टीवी आ रही हैं, दे आर कॉल्ड एलईडी मॉनिटर या एलईडी टीवी। लाइट एमिटिंग डायोड होता है इसका फुल फॉर्म, नोट डाउन कर लीजिए आप। एलईडी जो होती है, लैम्प इज ए लाइट एमिटिंग डायोड प्रोडक्ट दैट इज असेंबल्ड इनटू ए लैम्प फॉर यूज इन लाइटिंग फीचर्स। इसमें देखिए जो स्क्रीन इसकी दिख रही है, ये छोटी छोटी एलईडी होती है, बहुत सारी एलईडी होती हैं। अगर आपने इसकी स्क्रीन को दबाया तो पर्टिकुलर उस लोकेशन की एलईडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उतना स्क्रीन आपका ब्लैक हो जाएगा, और वहां पे आप दोबारा जो इमेज देखने की कोशिश करेंगे तो वो इमेज नहीं आएगी। पिक्चर क्वालिटी इन सभी टीवी में सबसे ज्यादा बेटर होती है जो है वो एलईडी की होती है। आईज भी कंफर्टेबल होती है इसकी स्क्रीन को देखने के लिए, तो ये बेटर है अगर आप जब मार्केट में परचेज करने जाएं एलईडी मॉनिटर या टीवी, तो उन इन तीनों के कंपैरिजन में आप एलईडी को चूज करें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर में कंपैरिजन करते हैं। कंट्रास्ट इज नॉट सो गुड, इसका जो कंट्रास्ट होता है वो कम होता है, इसका कंट्रास्ट ज्यादा बेटर होता है एज कंपैरिजन देन एलसीडी। कलर एक्यूरेसी इज लेस देन एलईडी, कलर का जो आप देखें अगर सामने सामने दोनों मॉनिटर को रख करके, तो जो कलर की एक्यूरेन्स होती है वो ज्यादा अच्छी होती है एलईडी की। एलसीडी मॉनिटर कंज्यूम लेस पावर, बस इसमें ये एक नेगेटिव पार्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ये इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी ज्यादा खाता है क्योंकि एलईडी, हर एलईडी को अलग अलग से वोल्ट चाहिए होता है। एलसीडी यूज मर्करी सो इट्स हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, ये ज्यादा हार्मफुल है, ये ज्यादा बेटर है आप अगर अपने घर में टीवी एलईडी ला रहे हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट, प्रिंटर आप देख रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग टाइप के प्रिंटर देख रहे हैं। प्रिंटर का यूज बेसिकली आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्ट कॉपी होती है, उस सॉफ्ट इमेज को हार्ड इमेज में, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए होता है इंफॉर्मेशन को। देखते हैं प्रिंटर दो तरीके के प्रिंटर होते हैं, टू टाइप प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले नाम देख लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील, टैली टाइप राइटर। नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। इसको डिटेल में देखते हैं आइए, सबसे पहले मैं इनके फीचर्स आपको बता दूं कि क्या फीचर्स है इन प्रिंटर्स के। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर स्ट्राइक्स पेपर डायरेक्टली वाइल प्रिंटिंग। आप लोगों ने टाइपराइटर देखा होगा, टाइपराइटर के थ्रू जब हम टाइपिंग करते थे तो जो वो उसकी हिटिंग होती थी पेपर पे, जो भी आप करेक्टर छापते थे उसकी हिटिंग होती थी, पेपर को टच करता था। तो इसमें सेम ये बता रहा है, इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसमें पेपर को टच किया जाता है, पेपर टच होते हुए चलता है। दीज प्रिंटर्स मेक नॉइस वाइल प्रिंटिंग, ये बहुत नॉइस क्रिएट करते हैं जब प्रिंटिंग हो रही होती है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर आर इकोनॉमिक, ये थोड़े से सस्ते प्रिंटर होते हैं, लेकिन आज की डेट में इनका यूज बहुत कम होता चला जा रहा है। तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज में या कहीं पे बिल वगैरह प्रिंटिंग करने के लिए
इम्पैक्ट प्रिंटर मिल जाए, अदरवाइज एक बिजनेस पर्पज से ये प्रिंटर अब यूज नहीं होते। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की खासियत देखते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डज नॉट स्ट्राइक पेपर डायरेक्टली वाइल प्रिंटिंग, ये पेपर में कोई हिटिंग नहीं करता है और ये साउंड भी नहीं करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ये प्रिंटिंग करता तो इसके इससे आपको पता नहीं चलेगा कि प्रिंटिंग हो रही है। ये सिंपली जस्ट एक पेपर पे एक इमेज को पूरा एज इट इज छाप देता है और डिपेंड करता है कि कौन सा प्रिंटर है उसमें वो लाइन बाय लाइन चलता है या पूरे पेपर की प्रिंटिंग करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर कॉस्टली, थोड़े से कॉस्टली होते हैं एज कंपेरिजन इम्पैक्ट प्रिंटर। आगे देखते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, आप देख रहे हैं इसमें कुछ यहाँ पे हेड्स लगे हुए हैं, करेक्टर्स लगे हुए हैं। ये करेक्टर्स क्या करते हैं, इनमें पेपर को टच करा जाता है, आप जो भी इसे प्रिंट करना चाहते हैं वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं। ये पेपर पे साउंड क्रिएट करता है और उसको प्रिंट करने में साउंड ज्यादा होता है, टाइपराइटर की तरह जस्ट एक समझे आप इस तरह की प्रिंटिंग होती है इसके थ्रू। उसके बाद देखिए यहाँ पे टैली टाइपराइटर। अब देखें टाइपराइटर कि प्रिंटिंग ही है, जब हम प्रिंटर करते हैं ये टाइपराइटर ही है बेसिकली। जब आप प्रिंट करते हैं इससे कुछ भी टाइप करते हैं तो पेपर पे वो प्रिंट जो हो रहा होता है वो वन बाय वन करेक्टर हिटिंग होती है, जो कि एक तो प्रिंटिंग डिले हो रही है, हमारा लेट वर्क हो रहा है, धीरे हो रहा है, स्पीड स्लो है हमारी। ठीक है आगे देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स को शॉर्ट में डीएमपी भी कहते हैं। अगर आपसे डीएमपी का कहीं पर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो डीएमपी इज कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपने बीएसएनएल या कई बड़े बड़े ऑफिस में देखा होगा जहां पर बिल की प्रिंटिंग होती है, उन ऑफिस में इस तरीके के प्रिंटर आपको मिलेंगे, स्पेशली बिल डिपार्टमेंट में। या जब आप रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने जाते हैं तो टिकट लेते भी वहां पर इस तरीके के प्रिंटर वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये करेक्टर को करेक्टर वाइज प्रिंट करते हुए चलते हैं। आगे देखते हैं, उसके बाद है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर आज की डेट में सबसे एडवांस प्रिंटर है, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट आपको इमेज छापनी हो चाहे कलर इमेज, बिजनेस पर्पज से बेसिकली जब लोग बिजनेस करते हैं तो अपने पास वो इस तरीके के प्रिंटर वहां पर लगाते हैं। ये प्रिंटर एट ए टाइम पर मिनट में पेज पीपीएम का एक कॉन्सेप्ट होता है, पेज पर मिनट, ये पेजेस के हिसाब से प्रिंट करते हैं। यानी कि आपने इंस्ट्रक्शंस दी 20 पेज 26 पेज एट ए टाइम, इनकी कैपेसिटी होती है कि कोई 20 पेज प्रिंट करता है कोई 10 पेज प्रिंट करता है, तो पीपीएम पे डिसाइड करता है लेजर प्रिंटर। ये लाइन बाय लाइन नहीं करते हैं, आप एक प्रिंट देते हैं तो जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया है उसकी इमेज को मिरर को एज इट इज पेपर पे ये छाप देते हैं। ठीक है आगे चलते हैं, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर मोस्टली जो कम बजट के प्रिंटर होते हैं, ये आप घर में अगर कोई प्रिंटर लगाते हैं, आपके घरों में जो कलर प्रिंटर होते हैं वो बेसिकली इंकजेट या डेस्क जेट प्रिंटर होते हैं। ये लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग करते हैं, आपने देखा होगा अगर इस तरीके के प्रिंटर आपके पास हो तो ये क्या करता है, जब आप पेपर लगाते हैं धीरे 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 प्रिंट करता हुआ चलता है, ये पेपर में हिटिंग करने का काम नहीं करते हैं, जैसे कि वो तो नॉन इम्पैक्ट में होता है। ये क्या करते हैं, एक बार लाइन बाय लाइन छापते हुए पेपर को आगे बढ़ाते चले जाते हैं और प्रिंटिंग आपकी कंप्लीट करते हुए चले जाते हैं। थर्मल प्रिंटर देख रहे हैं आप, जो ये यहाँ पे इस तरीके का छोटा, जब आप बस में ट्रेवल करते हैं तो एक छोटा सा उनके पास प्रिंटर होता है, इनपुट उसके थ्रू टिकट का करते हैं कि कहाँ से कहाँ जाना है, और उसके थ्रू जो प्रिंटिंग होती है वो थर्मल प्रिंटर होता है। एटीएम मशीन में जो प्रिंटर लगा होता है वो थर्मल प्रिंटर होता है, या कभी आप एसटीडी बूथ पे फोन करने जाते हैं तो वहां पे भी इस तरीके के प्रिंटर आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी जो इस प्रिंटर की जो इंक होती है वो आपको थोड़े दिनों बाद गायब हो जाती है, पेपर पे स्टिल वो लगी नहीं रहती। ठीक है आगे देखते हैं, प्लॉटर। देखिए दो तरीके के होते हैं, मैं आपको बता दूं, एक कटर प्लॉटर होता है और एक प्रिंट प्लॉटर होता है। कटर एंड प्रिंट, दो तरीके के प्लॉटर होते हैं,
कटर प्लॉटर के बारे में मैं आपको बता दूं, आपको जब नंबर प्लेट आपके घर की नेम प्लेट, घर के बाहर जब आप नेम प्लेट लगाते हैं, आपकी गाड़ी पे जो नंबर प्लेट लगी होती है उनमें स्टाइलिश करेक्टर जो कटके लगते हैं, आप अलग अलग डिजाइन जो काट के लगाते हैं, कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस फॉन्ट स्टाइल में ये चीज चाहिए, तो वो कटर प्लॉटर के थ्रू किया जाता है। आप पेपर उसमें लगा देते हैं शाइनिंग पेपर, और उस पेपर पे वो उस तरीके की कटिंग कर देता है, ठीक है। या फिर अगर आप प्रिंट प्लॉटर, इसी तरीके से प्रिंट प्लॉटर है, ये क्या करता है, प्रिंटिंग करने का काम। कटर प्लॉटर क्या कर रहा था, वो पेपर को काटने का काम कर रहा था स्टाइलिश वे में। प्रिंट प्लॉटर क्या करता है, ये बहुत बड़े बड़े प्लॉटर होते हैं, मीन्स एक रूम के बराबर के प्लॉटर होते हैं, और आप जो बड़ी बड़ी होल्डिंग्स देखते हैं वो होल्डिंग्स भी इन्हीं प्लॉटर्स के थ्रू प्रिंट होती है। लाइन बाय लाइन ये प्रिंट करते जाते हैं ग्लोसाइन पेपर पे, और बड़ी एक होल्डिंग्स को हम तैयार कर लेते हैं इसके थ्रू। तो ये प्लॉटर जो होते हैं ये आउटपुट का काम करते हैं, एक तो कटिंग का काम कर रहा होता है और एक प्रिंटिंग। आप देख रहे हैं इस तरीके से एक बड़ी इमेज, एक बड़ी सीनरी को प्रिंट करने के लिए हमें इतनी बड़ी डिवाइस की जरूरत होती है, तो इस डिवाइस को हम प्लॉटर कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं स्पीकर। स्पीकर का काम वॉइस को आउट करना, जो आप या तो आप अपनी वॉइस को आउट करा लें, या जो आप म्यूजिक बजाएं उस वीडियो, उस म्यूजिक को आउटपुट के रूप में सुनने के लिए स्पीकर डिवाइस का यूज किया जाता है। मार्केट में जब आप स्पीकर परचेज करने जाते हैं तो डिपेंड करता है आप कैसा स्पीकर परचेज करना चाहते हैं। ये 2.1 हो सकता है, 4.1 हो सकता है, 5.1 हो सकता है, डिपेंड करता है आपको कितने स्पीकर्स। इनके साथ में एक वूफर मिलता है, एक वूफर होता है, और सब स्पीकर्स होते हैं उसके वॉल्यूम के लिए, तो ये आउटपुट करता है केवल सुनने के लिए। आगे देखते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर में आपको कोई भी डिवाइस लगा करके, चाहे वो कंप्यूटर से कनेक्ट कर लें आप डेस्कटॉप पीसी से, या आप उसे अपने डीटीएच कनेक्शन इसमें इंसर्ट करा सकते हैं, या लैपटॉप, और इसके थ्रू आप एक स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं अपनी इंस्ट्रक्शन, दी हुई इंस्ट्रक्शंस को इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट शो करने का काम जो है प्रोजेक्टर का होता है। ये भी एक आउटपुट डिवाइस कहलाती है। आगे देखते हैं आगे, तो ये हम लोगों ने देखी थी आउटपुट डिवाइस। आगे हम स्टोरेज सेक्शन देख रहे हैं, यानी कि आईपीओस का, आईपीओस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आईपीओस में हम स्टोरेज डिवाइस में आ जाते हैं। स्टोरेज डिवाइस ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। जब भी हम कंप्यूटर में कोई काम करते हैं तो उनको स्टोर करना है हमें, तो स्टोरेज डिवाइस की हमें जरूरत पड़ेगी। और स्टोरेज डिवाइस का डेटा देखने के लिए कंप्यूटर में हमें माई कंप्यूटर पे जाना पड़ता है, डेस्कटॉप पे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दुनिया की कोई भी स्टोरेज डिवाइस जब कंप्यूटर में हम लगाएंगे तो उसको अपना डेटा दिखाने के लिए एक कॉलम, जो माई कंप्यूटर में जब जाते हैं एक कॉलम और ड्राइव असाइन करनी पड़ती है। जैसे अगर आपके कंप्यूटर में सी कॉलम होता है, माई कंप्यूटर में जाते हैं आप डी कॉलम होता है, बाय डिफॉल्ट सी कॉलम हार्ड ड्राइव के लिए होता है, डी कॉलम डिपेंड करता है, अगर आपने एक पार्टीशन बनाया है तो सी ही आएगा, अगर आपने दो बनाया तो सी और डी आ जाएगा, अगर आपने तीन बनाया तो ई। ये तो हार्ड ड्राइव के लिए आप चलते रहे। अब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव यूज करना चाहते हैं, या कोई भी और डिवाइस यूज करना चाहते हैं, तो जब भी कोई और डिवाइस आप यूज करेंगे अपने कंप्यूटर में, तो उसके लिए वो नेक्स्ट फ्री जो कॉलम है वो यूटिलाइज करेगा। वो मे बी पेन ड्राइव का हो सकता है, वो मे बी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का हो सकता है, वो मे बी आपकी डीवीडी राइटर या ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जो भी हो उसका कॉलम वो हो सकता है, लेकिन फ्लॉपी ड्राइव का एफ कॉलम नहीं आएगा। ये मैनुअली आप असाइन करें तो बात अलग है। फ्लॉपी ड्राइव के लिए बाय डिफॉल्ट जो कॉलम होते हैं वो ए या बी होता है। जब भी आप अपने कंप्यूटर में फ्लॉपी ड्राइव लगाएंगे तो फ्लॉपी ड्राइव ऑटोमेटिकली ए कॉलम या बी कॉलम को असाइन होगी बाय डिफॉल्ट। मैनुअली आप पेन ड्राइव को ए कॉलम बी कॉलम असाइन करा सकते हैं मैनुअली डिवाइस मैनेजर के थ्रू, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस में ये पेन ड्राइव है, ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, और ये हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का इंटरनल पार्ट आप देख रहे हैं, ये एक प्लेटर, अल्मोनियम प्लेट का प्लेटर होता है। इस प्लेटर पे डेटा स्टोर होता है,
ये जो एक देख रहे हैं ये मोटर लगी है, इसे स्पिंडल मोटर कहते हैं हम। और ये आप देख रहे हैं ये हेड है, ये हेड यहाँ पे लगा हुआ है, ये आर्म है इसकी, इसे एक्चुएटर कहते हैं यहाँ पे। और ये एक रोटर मोटर लगी होती है यहाँ पे, ये हेड को इस तरह से यहाँ पे रोटेट कराने का काम बहुत तेजी से करते हैं। अगर कभी आप ओपन हार्ड डिस्क को देखेंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत फास्ट होती है इस तरह से डेटा को स्टोर करने और रीड करने की, क्योंकि आप जब डेटा स्टोर करते हैं तो किस टाइम आप डेटा कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं ये उसे नहीं पता होता है। वो एक लोकेशन अलॉट कर देता है कंप्यूटर को और वहां ये याद रखता है कि आपने इस फाइल को यहाँ पे स्टोर किया था। इसकी इंडेक्सिंग कैसी होती है उसका एक मैं आपको सैंपल बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का डी पार्टीशन है, जब भी आप अपने कंप्यूटर में डी पार्टीशन पे डेटा स्टोर करते हैं तो वहां पे आप एक फोल्डर अगर बनाते हैं डी पार्टीशन में, फॉर एग्जाम्पल आपने पवन नाम का अगर फोल्डर बनाया है तो ये फोल्डर एक आइकॉन के रूप में, एक आइकॉन शेप में यहाँ पे बन जाता है। और ये याद करने का काम जो होता है ये इंडेक्स, जैसे किताब में जब हम कोई बुक होती है, बुक में कोई चैप्टर होता है उसकी इंडेक्सिंग होती है, इसी तरीके से यहां भी इंडेक्सिंग होती है। तो जो इंडेक्सिंग होती है हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने की उसे हम फाइल सिस्टम कहते हैं। फाइल सिस्टम, ये फाइल सिस्टम विंडोज की बात करें तो विंडोज के जो फाइल सिस्टम होते हैं वो फैट हो सकता है, वो NTFS हो सकता है। इन दोनों का फुल फॉर्म लिख लें, फैट फाइल एलोकेशन टेबल, फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल, और NTFS का होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। आज की डेट में जो फाइल सिस्टम चल रहा है वो NTFS, लेटेस्ट में अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं विंडोज 7 या विंडोज 8 तो हम NTFS फाइल सिस्टम का यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी हाई लेवल की सिक्योरिटी, जिसको क्रैक करना तोड़ना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टोरेज डिवाइस हम लोगों को यहाँ देख रहे हैं, आगे चल के हम डिटेल में देखते हैं। ये देखें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हार्ड ड्राइव की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर में आप देखें जो हम लोगों के डेस्कटॉप पीसी में हार्ड डिस्क होती है, डेस्कटॉप पीसी में जो हार्ड डिस्क हम लोग लगाते हैं वो हार्ड डिस्क इस तरह से इंटरनल उसका सेक्शन होता है, कुछ इंटरनल हार्ड डिस्क होती है, ये एक कवर होती है डस्ट प्रूफ केस में, इसके अंदर डस्ट नहीं जा सकती हार्ड डिस्क के अंदर, अगर डस्ट चली जाएगी तो ये जो प्लेटर है इस पर डस्ट जमा होकर के पूरा मतलब खराब हो जाएगी हार्ड डिस्क। और ये आप देख रहे हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, यूएसबी से इसका कनेक्टिविटी होती है। आप देखें यहाँ पे जो पोर्ट लगा है ये यूएसबी में आउटपुट देता है, ये डिपेंड नहीं, ये इट्स डजंट मैटर कि इंटरनल पार्ट पे ये साटा हार्ड डिस्क है या पाटा हार्ड डिस्क है, किस तरीके की हार्ड डिस्क है ये मैटर नहीं करता है, बट इसका जो आउटपुट मिलता है हमें वो यूएसबी के रूप में मिलता है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी है क्या, यूएसबी का मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहां पर ये जो इसका पोर्ट है इसे बी कनेक्टर कहते हैं, बी, ये बी कनेक्टर होता है। किसी किसी आप प्रिंटर में देखेंगे, जब आप प्रिंटर का पोर्ट देखें तो वो कुछ इस तरह का होता है ए शेप में, ए, इसे ए पोर्ट कहते हैं, ये बी पोर्ट होता है। तो ये यूएसबी कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का पोर्ट आप यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हार्ड डिस्क मोस्टली जो हार्ड डिस्क आ रही है एक्सटर्नल आज की डेट में 1 TB तक की हार्ड डिस्क मार्केट में जनरली अवेलेबल है। ठीक है, आगे देखते हैं हार्ड ड्राइव के आगे फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के बारे में मैं आपको बता दूं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव अगर आप मार्केट में अब तो नहीं आती है लेकिन एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए आपसे तो सबसे पहले 8 इंच देखिए यहां पर सबसे पहले जो मार्केट में मार्केट में ये अपनी फ्लॉपी ड्राइव आई है तो मार्केट में जो फ्लॉपी ड्राइव आई है वो थी 8 इंच की, 8 इंच, 8 इंच के बाद मार्केट में क्योंकि साइज बड़ा था 8 इंच का तो उसको थोड़ा सा कम किया गया, वो आई 5.5 इंच की, 5x1/4,
1.5 इंच की, और उसके बाद लास्टली आई वो 3.5 इंच की। तो साइज को कंज्यूम करने की कोशिश की गई, लेकिन फ्लॉपी की प्रॉब्लम ये थी कि जो इसकी मैग्नेटिक प्लेट होती थी उसमें, क्योंकि वो ओपन एरिया होता था उसमें स्क्रैच लग जाता था जल्दी, और ज्यादा दिन वो सिक्योर नहीं रह पाती थी, मतलब एक उसमें डस्ट आ जाती थी और वो करप्ट हो जाती थी, डिस्ट्रॉय हो जाती थी। लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया आकर के पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव ऐसा डेटा ट्रांसफर के रूप में एक ऐसी सक्सेसफुल डिवाइस रही। क्यों सक्सेसफुल रही? देखिए, आपके पास आज की डेट में डेटा ट्रांसफर करने के लिए पेन ड्राइव है और मेमोरी कार्ड। ये मेमोरी कार्ड जो होता है, बस इसमें और इसमें डिफरेंस मैं आपको बता दूं, पेन ड्राइव ज्यादा सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि पेन ड्राइव में यूएसबी पोर्ट इनबिल्ट होता है, यूएसबी कनेक्टर इनबिल्ट होता है एक लोकेशन से डेटा को दूसरी लोकेशन पे ले जाने के लिए। मेमोरी कार्ड में ये यूएसबी कनेक्टर जो है वो इनबिल्ट नहीं होता है, क्योंकि मेमोरी कार्ड को किसी के सपोर्ट में यूज, जैसे मोबाइल में, वीडियो कैम में, इनमें यूटिलाइज करना होता है, इसलिए इसमें जो है डायरेक्ट हम कंप्यूटर में लगा करके प्लग एंड प्ले नहीं कर पाते हैं। फ्लॉपी की स्टोरेज कैपेसिटी और पेन ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी में भी बहुत डिफरेंस है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी आई थी 360 KB से, 360 KB, 720 KB, 720 KB के बाद आई 1.44 MB, फिर आई 2.88 MB। तो स्टोरेज कैपेसिटी भी हमारे पास इतनी थी। आज की डेट में हम लोग जो पेन ड्राइव लेते हैं वो मिलती है हमें 64 GB तक की। तो बहुत डिफरेंस है कि हम लोग इस पेन ड्राइव को यूज करें या इस फ्लॉपी को। तो पेन ड्राइव ज्यादा डेटा स्टोर करती है, सिक्योर है, सेफ है, इसलिए उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है। आगे देखते हैं जिप डिस्क। पहले कंप्यूटर में आती थी इस तरीके की लुक, आप देखें इसका भी कुछ फ्लॉपी की तरह होता है। जिप डिस्क बहुत ही फ्लॉपी से भी पहले ही इसका यूटिलाइजेशन किया जाता था, जो कि मार्केट से टोटली आउट हो गई है, अब इसका यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता है। मतलब स्टोरेज डिवाइस में अगर आपसे पूछे कोई, तो जिप डिस्क भी आप बता सकते हैं कि इस तरीके की भी स्टोरेज डिवाइस आती थी। आगे देखते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है इसे ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं इस डिस्क को रीड करने वाली डिवाइस, ODD कहलाती है। ODD ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव कहते हैं उसे, जो कई तरीके की हो सकती है, मैं उसके नाम लिख दे रहा हूं यहां पर। वो CD ROM हो सकती है, नोट कर लें जी। वो CD राइटर हो सकता है, वो कॉम्बो हो सकता है, वो DVD ROM हो सकता है, वो DVD राइटर हो सकता है, ब्लू रे ROM हो सकता है, या आज की डेट में एक और नई टेक्नोलॉजी आने जा रही है, होलोग्राफिक HVD ROM। ये मार्केट में भी आपको सुनने में बहुत कम मिलेगा, HVD ROM या HVD राइटर। देखिए, सबके अलग अलग यूटिलाइज हैं। CD ROM का वर्क होता है केवल CD को रीड करना। देखिए, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि CD से क्या होता है। तो CD, ये जो एक CD है, CD से क्या कर सकते हैं आप? CD से ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह से थे, CD से क्या कर सकते हैं? तो ऑब्जेक्टिव है रीड, दूसरा
राइट, तीसरा रीराइट और फोर्थ नन ऑफ दिस। क्वेश्चन है सीडी से आप क्या कर सकते हैं, तो सीडी से करना है तो सीडी से आप रीड कर सकते हैं, सीडी से क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, सीडी से राइट कर सकते हैं, सीडी से रीराइट कर सकते हैं, तो सीडी से कोई ऑप्शन नहीं। तो आप देखें सीडी से बात आ रही है, ठीक है, तो सीडी से हम रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता सीडी में हम क्या कर सकते हैं, तो सीडी में हम राइट कर सकते हैं, और अगर वो क्वेश्चन ऐसा हो कि रीराइटेबल डिस्क है तो आंसर ये भी ये होगा, रीराइटेबल, राइट तो कर ही सकते हैं, रीराइटेबल के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव कुछ मिलते हुए नजर आएंगे एक ही ऑप्शन में, ठीक है। तो रीराइटेबल डिस्क है तो उसमें राइट प्लस रीराइट दोनों काम किए जा सकते हैं। सीडी राइटर का काम होता है सीडी को रीड भी करना और उसमें राइट भी करना। कॉम्बो का वर्क होता है, कॉम्बो ड्राइव भी आती थी, अब ये मार्केट में बहुत रेयर आपको देखने को मिलेंगे। कॉम्बो का काम होता है सीडी को रीड, सीडी को राइट, रीराइट करना और डीवीडी को रीड करना, ये इसमें एडिशनल वर्क था। डीवीडी रोम का काम होता है सीडी और डीवीडी को रीड करना, जहां पे रोम वर्ड लिखा हो रहा है तो उसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ये केवल सीडी को रीड करने का काम करेंगे। डीवीडी राइटर का वर्क होता है सीडी को रीड राइट रीराइट करना, डीवीडी को रीड राइट रीराइट करना। ब्लू रे रोम जो है ये सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क आती है, ब्लू रे डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 25 GB, मैं इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी अभी आपको बता दूंगा। सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो आप सभी को पता है 700 MB, डीवीडी की 4.7 GB, और ब्लू रे इसको शॉर्ट में BR भी कह सकते हैं, ब्लू रे की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है 25 GB से स्टार्ट होती है, और आज की डेट में मार्केट में 100 GB तक की ब्लू रे डिस्क मार्केट में अवेलेबल है। HVD जो डिस्क है ये मार्केट में अभी आपको कहीं इंडिया में ये टेक्नोलॉजी अभी लॉन्च नहीं हुई है, जब इन फ्यूचर आएगी तब हम लोग इस पे स्टडी करेंगे इन फ्यूचर। तो ये जो है स्टोरेज का काम एक ऑप्टिकल एक लेंस के रूप में किया जाता है, एक लेंस होता है इसको रीड करने के लिए, लेंस राइट भी करता है और रीड भी करता है इसमें से डेटा जो आपको कंप्यूटर में स्टोर करने का, जब आप कंप्यूटर से डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट डिवाइस, कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि वही हम पढ़ रहे थे सीडी रोम, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, अभी हम लोगों ने देखा 4.7 GB स्टोरेज कैपेसिटी जिसकी थी। मैग्नेटिक टेप जो आपकी फ्लॉपी ड्राइव में, हम लोगों ने फ्लॉपी ड्राइव हो चाहे आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक टेप हार्ड डिस्क अल्युमिनियम प्लेट से बनी होती है। पेन ड्राइव, ए USB फ्लैश ड्राइव, इसको एक फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, पेन ड्राइव को आप फ्लैश ड्राइव नाम भी दे सकते हैं। जो पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव में एक लोकेशन से डेटा को दूसरी लोकेशन पे ले जाने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, फर्स्ट लेजर प्रिंटर वाज मेड बाय, इनमें से कौन सा ब्रांड है जिसने सबसे पहला लेजर प्रिंटर बनाया, तो आंसर हम लोग यहां पर देखते हैं, आप लोग गैस कर सकते हैं और आंसर देखें आपके सामने, जीरोक्स वो ब्रांड है जिसने सबसे पहला लेजर प्रिंटर बनाया आपका। आगे देखते हैं, विच प्रिंटर यूजेस नो इंक, इनमें से ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो इंक नहीं यूज करता, जिसमें इंक नहीं पड़ती है, आप इसमें से ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। आइए देखते हैं क्या आंसर है, थर्मल प्रिंटर में इंक नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
Who was the inventor of woofer speaker and DJ speaker? Woofer जो speaker आते हैं उनका inventor कौन है इनमें से, देखते हैं क्या answer आ रहा है इन तीनों objective में से। अमर गोपाल बोस जिन्होंने woofer speaker का आविष्कार किया है। Next देखते हैं, which printing device has maximum DPI? DPI का full form पहले जान लें, dot per inch। कौन सा प्रिंटर है जिसमें जिसका डीपीआई सबसे ज्यादा हाई होता है, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अच्छा प्रिंटर है उसका डीपीआई सबसे ज्यादा हाई होगा। तो मैंने सबसे ज्यादा बेटर क्वालिटी जो बताई है किसकी है, आप देख लें ऑब्जेक्टिव आंसर देख रहे हैं, प्लॉटर। प्लॉटर की डीपीआई सबसे ज्यादा इसलिए है डॉट्स पर इंच, आपको मैंने बताया एक रूम के बराबर बड़े बड़े प्रिंटर होते हैं ये, क्योंकि डॉट्स पर इंच की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच प्रिंटर हैज मैक्सिमम डीपीआई एंड सीपीएस, किसकी सबसे ज्यादा है? तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं, आप देख लें यहाँ पे लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इनमें से सबसे ज्यादा डीपीआई एंड सीपीएस सबसे ज्यादा किसकी है? तो आंसर आ रहा है लेजर प्रिंटर। इन तीनों में सबसे ज्यादा जो फास्ट काम कर रहा है, ज्यादा पीपीएम है जिसका पेज पर मिनट, वो लेजर प्रिंटर का आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर आईपीओ सेक्शन में हम लोगों ने इनपुट डिवाइस पढ़ी, प्रोसेस यूनिट पढ़ी और आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी। आगे चलेंगे हम कंप्यूटर को टू सेक्शन में हम लोगों ने डिवाइड किया था, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, हार्डवेयर हम लोगों ने स्टडी किया, आगे के चैप्टर में हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे।